संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, संग चलो रे मिलके चलो रे, देश के खातिर एकता के रास्ता गढ़ो रे, देश के खातिर एकता के रास्ता गढ़ो रे, संग चलो रे जुर मिलके चलो रे, संग चलो रे जुर मिलके चलो रे, सुनोगा किसान जवान सुनो संगी भाई, सुनोगा किसान जवान सुनो संगी भाई, छुआछूत और भेदभाव के छोड़ोगा लड़ाई, छुआछूत और भेदभाव के छोड़ोगा लड़ाई, भाईचारा के अपन मन मा भाव धरो रे, भाईचारा के अपन मन मा भाव धरो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, फूट के कारण सब जन झेलें देश मा गुलामी, फूट के कारण सब जन झेलें देश मा गुलामी, एकता के कमी मा सहन कत का बदनामी, एकता के कमी मा सहन कत का बदनामी, अब सुधर के अपन देश विकास करो रे, अब सुधर के अपन देश विकास करो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, सुतेला जगाबो मिल के बिगड़ेला बनाबो, सुतेला जगाबो मिल के बिगड़ेला बनाबो, गिरेला उठाबो सबला अपन घर लगाबो, गिरेला उठाबो सबला अपन घर लगाबो, मिल के दीन दुखिया के दुख हरो रे, मिल के दीन दुखिया के दुख हरो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, देश के खातिर एकता के रास्ता गढ़ो रे, देश के खातिर एकता के रास्ता गढ़ो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे, संग चलो रे जुर मिल के चलो रे। सबसे पहले भगवान बुद्ध को शीश झुकाते हैं, हम शीश नवाते हैं, राही सबको अंबेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं, जो दीन दुखी और दलितों के हृदय में समाते हैं, हाँ पूजे जाते हैं। रत्नागिरी एक जिला कहता है, उस जिले में अंबाबड़ एक गांव भी आता है, राम जीराव और भीमा बाई गांव में रहते थे, महार जाति में जन्म लिया यूं अछूत कहते थे, महार बटालियन में करते थे वो सूबेदारी, उसी समय अस्पृश्यता की फैली थी महामारी, एक दिवस की बात साधु एक घर पर आता है, भीमा बाई का हाथ देख हतप्रद रह जाता है, हाथों की रेखा देख फिर वो साधु बतलाते हैं, उनको समझाते हैं, राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम कथा
कहता ले सच्ची तू मान, बेटी तेरे लिखी भाग्य में कुल 14 संतान। ये नहीं बात किसी के बच की, ये तो है संयोग, क्योंकि 5 ही बच्चों का तुमको मिलना सुख भोग। एक बात तू याद ये रखना, होऊंगा मैं भी प्रसन्न, तेरी कोख से 14 मास तो होगा जो उत्पन्न। नहीं पुरुष साधारण होगा, होगी शक्ति महान, शोषित दलित करेंगे पूजा मान उसे भगवान। इतना कहते प्रवर संत वहां से रम जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। नाही सबको हम भेद करके कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं, हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान। संतान तुलसी और मंजुला, बेटी सुत आनंद बलराम। 14 अप्रैल का दिन कितना पावन और महान, भीमा बाई ने जब जन्मी 14वीं संतान। सुत होने की खबर नगर में चौदिक छाई है, पुत्र बधाई देने तुमको जनता धाई है। नामकरण के लिए महारण स्वामी को बुलवाया, बालक का सतपाल नाम प्रारंभिक रखवाया। जाल पालने में सुत को पितमात झुलाते हैं और प्यार जताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं, हे दलितों के भगवान, कैसे पालू अब परिवार। ग्राम त्याग दा पोली गांव में आ गए से परिवार, दा पोली में आकर के जब मिला नहीं रोजगार। रोजगार कोई मिले राव जी तब मन में सोचे, PWD के विभाग में तक्षण जा पहुंचे। स्टोर किपरी में चयनित का समाचार पाया, चयन पत्र को देख राव की हर्षित हुई काया। तापोली भी छोड़ सितारा शहर में जाते हैं, वहां घर को बसाते हैं। सबको हम भेद करके कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं, हे दलितों के भगवान, बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। शनै शनै जब हो गया देखो 5 वर्ष का भी, फिर सोचन लागे सुत को दे ताली। भीम राव जी के भविष्य का करके सोच विचार, कैंपस स्कूल में आ जाते हैं राम जी सूबेदार। गुरुवर से की विनय राव ने दो जोड़ कर हाथ, मेरे पुत्र का आज दाखिला कर लीजिए है ना। शूद्र वर्ण होने के कारण कर दी इनकारी, किंतु राम जी राव
चरण गही करते महुमारी। तभी दाखिले की गुरुवर एक शर्त बताते हैं, उनको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। का करूं दाखिला दूं पहले बतला, दरवाजे के बाहर बैठे अपना टाट बिछा। कभी न बच्चों को छुएगा तेरी जाति महार, करूं दाखिला शर्तों को यदि कर ले तू स्वीकार। सभी शर्त है शिरोधार विश्वास मेरा कीजिए, सतपाल भीम को दाखिल कर लीजिए। राम जी रावण सुत की खातिर सब शर्तें मानी, भीम राव का किया दाखिला पितु की सुनवानी। उसी रोज से भीम राव नित पढ़ने जाते हैं और शिक्षा पाते हैं। पढ़वाते हैं, कोई नहीं जब पढ़ पाता तब भीम सुनाते हैं। क्रोधित हो सब बच्चों को गुरुवर धमकाते हैं, किसी बात पर सारे लड़के जल भुन जाते हैं। इस महार के छोरे ने अपमान कराया है, मारेंगे इस भीमा को षड्यंत्र रचाया है। फिर बच्चों ने भीम राव पर इतना जुल्म किया, मार के पत्थर ईंटों से उसका सिर फोड़ दिया। खून से लथपथ भीम राव अपने घर जाते हैं, मन में पछताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, बीमार गोरे गांव से तुरंत आ गए राम जी सूबेदार। वैद्य हकीमों से करवाया पत्नी का उपचार, नहीं बचा पाए आखिर में गई वो स्वर्ग सीधा। सबसे ज्यादा भीम राव जी को दुख होता है, बिलख बिलख कर माता की अर्थी पर रोता है। भीम राव के जीवन में एकदम छाया अंधकार, कई दिवस भोजन नहीं खाया रहे जार बेजार। एक घटना घटी भीम संग, हम तुम्हें बताते हैं, सुनिए जी सुनाते हैं। राही सबको हम भेद करके कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान।
बहुत विकराल, नाई भी उस समय दलित के नहीं काटते बाल। बाल काटने से नाई ने साफ करी इनकार, तब फिर तुलसी बहन भीम से किस विधि करे दुलार। भाई आज तू फूट फूट क्यों इतना रोता है, शूद्र और दलितों के संग ये अक्सर होता है। जाए वो हजाम भाड़ में मेरा देख कमाल, नाई से भी अच्छे तेरे अभी काटती बाल। कटा बहन से बाल भीम स्कूल में जाते हैं और शिक्षा पाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। बुलाते हैं गोरे गांव के लिए दो विचार बनाते हैं। गोरे गांव जाने को कोई तांगा नहीं तैयार, महार जाति के कारण सबने कर दी इनकार। है परदेसी दोनों भाई और डगर है अनजानी, गोरे गांव पहुंचा दो भैया होगी मेहरबानी। एक शर्त है अगर किराया दू न चुकाओ तुम, और न बैठूं गाड़ी में मैं गाड़ी चलाओ तुम। शर्त मान चा बुकले राव जी तांगा चलाते हैं, भी तुम मिलन को जाते हैं। नहीं सबको हम भेद करके कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान,